आइए अब आपको पहले सीधे लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज की मीटिंग के बाद जो प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल माध्यम से हो रही थी। केसेस बढ़ रहे हैं, उनको सबको आगे इसको कैसे रोका जाए, इसके कुछ विषय सुझाव ये सब सामने आए हैं। हमने आश्वासन दिया है कि हम कोविड को और फैलने से रोकने के लिए जितने पर्याप्त प्रबंध है वो सब करेंगे, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसके अंदर मास्क का प्रयोग करने की बात है। 1 करोड़ मास्क हम जल्दी इसी सप्ताह के अंदर हम बंटवाएंगे, और इसी में एक विषय सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उसका भी एक निर्णय हमने लिया है कि अभी 26 तारीख से जितने भी एनसीआर के बड़े शहर हैं, 6 जिले खास करके उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार, सोनीपत आ गया, तो इन 6 जिलों में सोशल गैदरिंग के नाते, चाहे वो पारिवारिक है, विवाह शादी है, या कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक है, किसी प्रकार की गैदरिंग में कोई भी जो हॉल कम से कम जहां 100 की संख्या का स्पेस है तो वहां 50 लोग ही एकत्र होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और ओपन में अगर करना होगा तो 100 लोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी जिलों में किसी इंडोर में करना होगा तो 100 की संख्या तय की है, ओपन में करना होगा तो 200 की संख्या तय की है। ये परसों 26 तारीख से ये नियम लागू हो जाएगा। तो मैं अपील भी करूंगा हरियाणा की जनता से कि इनके ऊपर, इन सब बिंदुओं पर वो थोड़ा सा कोरोना के फैलाव को रोकने की दृष्टि से ये पग उठा रहे हैं, इसलिए इसमें वो सहयोग करें, क्योंकि कोरोना से बचाना है तो लोग स्वयं अपनी जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक ये निर्णय हमने किए हैं। इसी में दूसरा विषय था कि वैक्सीन, जिसका भारत देश में भी 2 प्रकार की वैक्सीन का निर्माण होकर के उसका ट्रायल चल रहा है, दुनिया के कई देश भी वैक्सीन बना रहे हैं, तो हमारे ट्रायल का 3rd फेज इस समय शुरू हुआ है। बहुत जल्दी 3rd फेज समाप्ति के बाद ये आम नागरिक के लिए भी उपलब्ध हो, तो इसके लिए भी आज योजना रचना बनाने के लिए कहा है। उसके अंदर कैटेगरीज तय करेंगे कि कौन सी कैटेगरी को पहले, क्योंकि एक साथ देश में 130 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना संभव भी नहीं है, तो पहले चरण में जिनके लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऐसे सब लोगों को पहले चरण में दी जाएगी, ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स की इसमें से बचाव करना, उनको सुरक्षित रखना, यह पहले चरण में किया गया है। ऐसे ही दूसरे चरण में और जो पब्लिक की लाइफ की जो सर्विसेज हैं, जो आवश्यक हैं, ऐसे देशभर में इसको तय किया गया है। तीसरे में जो बाकी लोग हैं उनको आयु के अनुसार 2 चरण उसके बनाए हैं, तो 4 ऐसे कैटेगरीज बना करके और ये सारे 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, ये एक टारगेट है। अब उसका एकदम निश्चित जो प्रोग्राम है वो बाद में दिया जाएगा कि कब तक वो वैक्सीन का ट्रायल समाप्त होगा और कब वो उपलब्ध होगी और कब से शुरू करेंगे, इसके लिए स्टेट की स्टीयरिंग कमेटी है, स्टेट टास्क फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है, सुझाव तो है कि ब्लॉक तक की टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि हर एक व्यक्ति तक उस वैक्सीन का जो इंजेक्शन है वो पहुंच सके, ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहा गया है। तीसरा विषय है कि जो मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, किसानों से भी अपील करना चाहूंगा कि अभी जो किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं, और उसको उचित न मानते हुए लैंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहां जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें, जीटी रोड पर, हाईवेज पर ना आए, क्योंकि उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सख्ती बरती जाने की योजना है। और इसी प्रकार से 26 और 27 तारीख को हरियाणा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी जाने को अवॉइड करें, इसके बिना ही अपना काम चलाए, वहां भी उन 2 दिनों में सख्ती बरते जाने की एक योजना बनाई गई है, ताकि हम किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हमारी पुलिस जो अलर्ट है, उस नाते से हमने ये व्यवस्था की है। और मैं किसानों को अपील करता हूं कि ये जो कुछ किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में हैं,
उसमें हमने घोषणा की है, बार बार की है, अब फिर मैं कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हरियाणा में न तो हम मंडियों को डिस्टर्ब करेंगे बल्कि पहले से मंडियां जितनी है उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार MSP भी जो हमारे यहाँ विभिन्न फसलों की तय की गई है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा धान अथवा गेहूं जो प्रोक्योरमेंट की जाती है वो तो होगी ही होगी, इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी बाजरा है, सरसों है, मूंग है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, ऐसी सब फसलों के लिए हमने भी यहाँ अपने MSP के ऊपर खरीद जारी रखी हुई है और इसको लगातार जारी रखेंगे, इसके अंदर कहीं व्यवधान नहीं आने देंगे। इसलिए यही दो शंकाएं किसानों की हैं, उन दो किसानों की शंकाओं को दूर करने के लिए बार बार पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं एक वेस्ट इंटरेस्ट कुछ लोगों का इस प्रकार का रहता है कि जो अपने इस वेस्ट इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऐसे समय समय पर आह्वान करते रहते हैं। इसके बाद किसान अगर मानो इसमें मानो किसी प्रकार से हमारी अपील अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से किसान को इसका लाभ भी होगा और स्टेट में लैंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो भी ठीक बनी रहेगी। तो यही अपील आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। सर, इसमें कोई जिस तरह से आप हिमाचल में रात का कर्फ्यू करा है और कई जिलों में जैसे पार्टली एरियाज में जो बंद करने की बात है, हरियाणा में अभी कोई जो प्रभावित एरिया आपने बताए हैं करा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, PM के साथ जो मीटिंग आज हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये काफी अहम थी क्योंकि जो भी पूरा ब्यौरा था, जो भी पूरी मीटिंग का लबोलुभाव था वो मुख्यमंत्री ने सबके सामने रखा है। और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जिस स्तर पर कोरोना बढ़ रहा है उस पर लगाम लगानी बेहद जरूरी है। हरियाणा के ऐसे 6 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले दी जाएगी वैक्सीन, ये कहना है मुख्यमंत्री का। और किसानों के लिए फायदेमंद है 3 कृषि कानून जो ये बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।